हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब यहाँ पे काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बिटकॉइन अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाला है जहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि आपको 2 से 3 मिनट के अंदर बिटकॉइन की पूरी अपडेट दे दे कि यहाँ से बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, जो हमारी स्ट्रेटजी हो सकती है मार्केट में भी वो क्या होनी चाहिए, और अगर यहाँ से डंप होने वाला है तो टारगेट क्या होंगे, और अगर पंप होगा तो कहाँ से हम मान सकते हैं कि बिटकॉइन अभी यहाँ से बुलिश हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लेवल्स लगा देता हूँ। ये वनडे का चार्ट है, एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये है कि वनडे की जो प्रेडिक्शन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले अगर आप देखो, मैंने ये पिछले अपडेट में आपको सेम चार्ट दिखाया था, यहाँ पे मैंने ये लेवल नहीं लगाया था 26,554 का, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने लेवल लगा दिया है क्योंकि अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से टूटता है तो प्राइस यहाँ पे एक बार आके सपोर्ट ले सकता है। बट आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। ये अगर थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग वैल्यू में आया तो ये सपोर्ट हमें टूटता हुआ दिख जाएगा। अगर मैं पास्ट में दिखा दूँ, कुछ लोग को नहीं पता कि सपोर्ट किस बेसिस पर निकाला जाता है, उनको मैं बता दूँ कि यहाँ पे आप पास्ट में देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही स्मॉल सपोर्ट है जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का जिसने काम किया था, यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई थी, बट ये यहाँ पे ब्रेक हो सकता है बहुत ईजिली। अभी भी उम्मीद है कि ये जो पास्ट है, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जनवरी की जो हिस्ट्री है यहाँ पे रिपीट हो सकती है, उसका एक और रीजन मैं यहाँ पे दूंगा कि अभी करंट टाइम में प्राइस जो चल रहा है वो $31,500 चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से प्राइस जो है वो दोबारा 36,300-36,400 तक जा सकता है टेस्ट करने। यहाँ पे दो रीजन मैं आपको दूंगा। सबसे पहला, आप यहाँ पे अगर देखोगे तो हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट शोल्डर हेड है और यहाँ पे राइट शोल्डर बन सकता है। यहाँ पे अगर ये बन के इसके ऊपर ये चला जाता है और इनवैलिड इसको कर देता है तो हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा वो 44,000 तक का देखने को मिलेगा, 42,000 से लेके 44,000 तक का। लेकिन अगर ये इसको इनवैलिड नहीं करता, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है यहाँ पे भी इसको रेसिस्टेंस मिलेगी और सेम यहाँ पे इसका राइट शोल्डर भी है, तो हमें 36,500 तक 36,400 तक प्राइस तो देखने को मिल सकता है अगर ये हेड एंड शोल्डर प्ले होता है तो। और अगर ये सही से एग्जीक्यूट हो जाता है तो डेफिनेटली प्राइस में यहाँ पे हमें एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और जो हमारा सीधा टारगेट होगा वो 26,400-26,500 का टारगेट यहाँ पे होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पैटर्न है ये प्ले आउट ना हो, ये इनवैलिड हो जाए। हमेशा ये पैटर्न जो होते हैं ये वर्क नहीं करते हैं, 110% वर्क नहीं करते हैं, बट यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ चांसेस होती है कि वन डे पे ऐसा पैटर्न बनाए तो प्राइस जो है वो 26,000 को भी ब्रेक कर सकता है। क्योंकि मैं आपको अगर प्रीवियस में दिखाऊँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे, प्रीवियस में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको बना दूँ बट चार्ट काफ़ी अजीब हो जाएगा, बट यहाँ पे कुछ लोग को दिख गया होगा, यहाँ पे आप देखो तो ये शोल्डर होगा, ये हेड होगा और यहाँ पे इसका ये राइट शोल्डर होगा, और वहाँ से प्राइस ने नेकलाइन के बाद प्राइस ने कितना ज़्यादा यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ ना हो। अगर ऐसा कुछ भी होता है यहाँ पे तो प्राइस में हमें मेजर डंप देखने को मिलेगा प्राइस में, और वहाँ पे उस लेवल को अगर तोड़ता है तो हमें 24,000 तक बिटकॉइन देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही लास्ट होप होगी बिटकॉइन के लिए। उसके बाद हमें मार्केट में सारे कॉइन 50-60% डंप देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग का ये क्वेश्चन होगा कि सर क्या हम सारे जो अल्टकॉइन है अपने सेल कर दें? देखो दोस्त, मैंने पिछली वीडियो में ये चीज़ क्लियर किया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखो, वहाँ पे काफ़ी लंबी वीडियो बनाई मैंने और सारी चीज़ें बताई है कि वहाँ पे आपको अल्टकॉइन के साथ अभी क्या करना चाहिए। अभी भी मैं वही सेम चीज़ कहूँगा कि अगर आप अल्टकॉइन में किसी 70% 80% लॉस में हो, आपका 100 रुपये जो है 50 रुपये 40 रुपये हो चुका है और आपको लगता है कि आप उसको सेल करके दोबारा उस 40 रुपये को 100 रुपये कर लोगे, तो आप बिल्कुल गलत हो। ये बेसिक मिस्टेक है जो आप करोगे। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है तो आपको चाहे 2-3-4 महीने उसको होल्ड करना पड़े, आप होल्ड लो और यहां पे बिटकॉइन के प्राइस पे नजर रखो। इस प्राइस की अपडेट इसीलिए दी जाती है, जो लोग यहां पे थोड़ी थोड़ी एंट्री ले रहे हैं क्या करते हैं कि प्राइस जब भी नीचे आता है थोड़ा सा बाउंस बैक होता है वो दोबारा यहीं पे टॉप पे एंट्री लेते हैं, उसके बाद फिर जब प्राइस नीचे आता है सेल कर देते हैं, फिर प्राइस जब बाउंस बैक होता है तो टॉप पे एंट्री लेते हैं। हमेशा गलती ये करते हैं, उनको एंट्री यहां लेनी चाहिए नीचे के साइड पे और एग्जिट ऊपर करना चाहिए, लेकिन वहां पे एंट्री ऊपर लेते हैं और जो एग्जिट होता है वो नीचे करते हैं। तो यहाँ पे वीडियो जो है वो 4 मिनट की बन चुकी है। मैं ट्राई करता हूँ कि बहुत छोटी छोटी अपडेट दूँ आपको, और आप लोग का जैसा रिस्पांस होगा इस तरह की वीडियो पे उस तरह की वीडियो हम रोज लाएंगे। आप लोग पिछली वीडियोस पे अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, दैट्स व्हाई हम वीडियो लगातार ला रहे हैं। अगर इस पर भी आप ऐसा ही रिस्पांस देते हो तो दिन में हम 1 या 2 इस तरह की अपडेट करने का ट्राई करेंगे, जिससे आप लोग को स्कैल्प करने में और पोजीशन लेने में काफ़ी हेल्प मिले। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।